नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विनोद आनंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज का क्विज समान ज्ञान पर आधारित कुछ समान प्रश्नों के उत्तर पे आधारित है, जो आपके समान ज्ञान को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं। इस छोटी सी वीडियो को अंत तक जरूर देखें, पूरा वीडियो देखें। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्न उत्तर की तरफ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक अनुरोध करना चाहूँगा आपसे, अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर ऑल सेलेक्ट कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो आइए बढ़ते हैं आज के विषय की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, भारत भारतीयों के लिए यह नारा किस संस्था ने दिया था? ऑप्शन है ए अशासकीय संस्था, बी आर्य समाज ने, सी ब्रह्म समाज ने, डी अन्य ने। उत्तर है बी आर्य समाज ने। अगला प्रश्न है, विंध्याचल और सत्यपुरा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन है ए नर्मदा, बी सिंधु नदी, सी कोसी, डी गोदावरी। उत्तर है ये नर्मदा। अगला प्रश्न है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था? ऑप्शन है ए पूंजी मुद्दे ने, बी डीएलएफ ने, सी सेबी ने, डी अन्य ने। उत्तर है सी सेबी ने। अगला प्रश्न है, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए केरल राज्य में, बी कर्नाटक राज्य में, सी तमिलनाडु राज्य में, डी त्रिपुरा राज्य में। उत्तर है बी कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ऑप्शन है ए कावेरी नदी, बी गंडक नदी, सी दामोदर नदी, डी यमुना नदी। उत्तर है सी दामोदर नदी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? ऑप्शन है ए तारापुर परमाणु संयंत्र, बी कैटेनम परमाणु संयंत्र, सी कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र, डी अन्य। उत्तर है ये तारापुर परमाणु संयंत्र। अगला प्रश्न है, आगरा शहर को किसने बसाया? उत्तर है ऑप्शन है ए सिकंदर लोदी, बी अकबर, सी बहलोल लोदी, डी शाहजहां। उत्तर है ए सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए? ऑप्शन है ए पुराण, बी जातक, सी मुंडकोपनिषद, डी महाभारत। उत्तर है सी जातक मुंडको सॉरी उत्तर है सी मुंडको उपनिषद। अगला प्रश्न है,
अशोक के शिला लेखों की लिपि क्या है? ऑप्शन है ए गुरुमुखी, बी ब्राह्मणी, सी देवनागरी लिपि, डी हायरोग्लाइफिक्स। उत्तर है बी ब्राह्मणी। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा उत्साह बढ़े, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर ऑल सेलेक्ट जरूर कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद, जय हिंद। Thank you.